बढ़ती जाती है और इंसान बच्चा बनता रहता है, क्योंकि एक लेवल के बाद जब हमारी उम्र बढ़ती है तब हम जिद और तमाम चीजें, गुस्सा भी बच्चों की तरह करते हैं। ये एक ऐसी हसीना है इस इंडस्ट्री की, जिनके गुस्सों को लेकर, जिनके तमाम ऐसे एंग्री रिएक्शंस को लेकर कई बार ये सवाल भी उठ चुके हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैन्सी। ये तो आप सभी जानते हैं कि आज जिस तरीके से 2 अक्टूबर रहा और गांधी जयंती का मौका रहा, तो यही 150th गांधी जयंती सेलिब्रेशन रखी गई बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जहां पर बॉलीवुड के कई सितारों को देखा गया। जूही चावला भी यहाँ पर आई तो वहां बच्चन परिवार भी दिखाई दिया। हालांकि बच्चन परिवार से यहाँ पर जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता नंदा बच्चन को देखा गया, मगर यहाँ पर जया बच्चन एक बार फिर से मीडिया पर चीखती हुई देखी गई, और जिसे लेकर इस बारी थोड़ी शर्मिंदा श्वेता नंदा बच्चन भी हुई। साफ तौर पर यहाँ पर देखने वाले मंजर रहे कि हर बारी लाइट्स को देखकर, कैमरों को देखकर जिस तरीके का रिएक्शन यहाँ पर जया देती है, एक बार फिर से भरे इवेंट में वो कैमरे पर्सन को डांट रही हैं, यानी कि मीडिया वालों पर वो चीख रही हैं और यहाँ पर एक ही चीज कह रही हैं, बस कीजिए कितनी फोटो लेंगे। यानी कि जिस तरीके का ये जो स्टेटमेंट जया का रहा और पीछे श्वेता यहाँ पर फेस के एक्सप्रेशन देती हुई दिखाई दी, उसे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि जया की ये जो हरकतें हैं उससे कई बारी शर्मिंदा बच्चन परिवार को होना पड़ता है, और कई बारी जो है बच्चे भी अपने माँ बाप की कुछ ऐसी चीजों के कारण शर्मसार हो जाते हैं, जो इस बारी वीडियो के जरिए देखा गया। हालांकि जब उनके पास कोई असिस्टेंट आती है और वो कहती है कि मीडिया से आपको रूबरू होना है, तो यहाँ पर जया का जो शॉकिंग रिएक्शन रहा वो यकीनन ही आपको भी हैरान कर देगा। तो आखिरकार किस तरीके से जया को गुस्सा आ गया और वो मीडिया पर भड़की, क्या कुछ रहा, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के मौके पर जहां पर गांधी जयंती को मनाया जाता है, गांधी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है, तो देश भर में गांधी जयंती के उत्सव को देखा गया और बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी तमाम एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं 150 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी की कर रहे हैं। हाल ही में यहाँ पर जूही चावला भी दिखाई दी, तो वहीं यहाँ पर जया बच्चन और श्वेता बच्चन को भी देखा गया, मगर यहाँ पर हर एक सितारा अपनी अलग चमक को दिखाता हुआ तो दिखाई दिया, मगर हर बारी की तरह जया बच्चन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल यहाँ पर जया बच्चन को जिस अंदाज में देखा गया, वो अंदाज यकीनन ही आम तौर पर आप सभी देखते हैं। उम्र बढ़ती जा रही है, मगर जया बच्चन जो हैं बढ़ती उम्र के साथ जो हैं काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से वाली भी हो रही हैं। दरअसल मौका रहा था 150 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी का, जहाँ पर जया बच्चन पहुंची और उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा को देखा गया। तो यहाँ पर जया बच्चन बेहद ही ज्यादा खूबसूरत और सिंपल अंदाज में देखी गई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जया बच्चन कितने ज्यादा सिंपल अंदाज में यहाँ पर दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर श्वेता बच्चन को ग्रीन आउटफिट में भी देखा जा रहा है। जैसे ही यहाँ पर एक असिस्टेंट जया बच्चन को कहती हैं कि आप मीडिया के पास जाकर फोटो सेशन करा लीजिए, तो यहाँ पर जया उसी को ही डांटने लगती है, और पीछे से बेटी श्वेता भी अपनी माँ की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती हैं। आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर जैसे ही फोटो सेशन शुरू होता है, जया एक बार फिर से मीडिया को फटकार लगाती है, मीडिया को डांटती है कि बस करो और कितनी फोटोज लोगे। तो ऐसे में यहाँ पर श्वेता हंसते हुए चली जाती है कहीं ना कहीं। आपको बता दें कि जया बच्चन जो है लाइट से, उन्हें एक बीमारी है जिस बीमारी का खुलासा खुद जो है श्वेता और यहाँ पर श्वेता बच्चन ने किया था, और अभिषेक बच्चन भी यहाँ पर उस बीमारी का खुलासा करते हुए दिखाई दिए थे। तो चलिए एक बार फिर से आपको विस्तार में दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जया ने एंट्री ली, और जब वो गई तो आखिरकार मीडिया को उन्होंने फटकार जरूर लगाई। क्या कुछ रहा, देखिए हमारा ये वीडियो। एकदम सामने, एकदम
दुकानदार ने बुलाया। अरे जया जी चिरी ये कौन है बीच में कौन है भाई 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 बैठ जा जाफर भाई जाफर भाई जाफर भाई जाफर भाई बैठ जा भाई जाफर भाई जाफर भाई नीचे होना पड़ेगा भाई दुकानदार ने बुलाया। अरे जया जी चिरी ये कौन है बीच में कौन है नीचे होना पड़ेगा भाई जाफर भाई बैठ के मार लो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जया बच्चन काफी गुस्से भरे अंदाज में देखी गई, यानी कि मीडिया जया को अटेंशन दे रही है और जया मीडिया की फटकार लगा रही है। दरअसल इस ये जो वजह है, ये जो गुस्सा आता है, इसके पीछे एक बीमारी है। हमने अपनी बीती रिपोर्ट में ही आपको बताया था कि जया बच्चन जो है, बेटी श्वेता और अभिषेक ने ये खुलासा किया था कि जया बच्चन एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। जब भी वो लाइट्स को अपने आसपास देखती हैं, भीड़ को अपने आसपास देखती हैं, कैमरों को अपने आसपास देखती
दिखती हैं तो वो अपना आपा खो देती हैं। और कई बार ही देखा गया है, कितने भी इवेंट्स क्यों ना हो, कितने भी अवार्ड फंक्शंस क्यों ना हो, यहाँ पर जया का जो गुस्सा रहा है उससे हर एक शख्स वाकिफ है। यहाँ पर साफ तौर पर देखने को रहता है कि जया बच्चन की हरकतों से कई बारी मीडिया इरिटेट हो जाती है। एक बारी बीच सड़क पे ही जया बच्चन यहाँ पर चीखने लगी थी और एक फैन को उन्होंने फटकार भी लगा दी। अब एक बार फिर से ये वाक्य हुआ जहाँ पर बुढ़ापे में जया बच्चन मीडिया को फटकार लगाती देखी गई। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।